नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और फ्राइडे से लेकर संडे तक बैंक प्राइवेटेशन की तीन वीडियो आती हैं आप लोगों के लिए। तो आज की है पहली वीडियो, कल मैं बनाऊंगा डिटेल वीडियो जो आज का अपडेट मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आज के अपडेट की डिटेल वीडियो बनाऊंगा कल और परसों आपके सवालों के दिए जाएंगे जवाब। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, देखते हैं अपडेट है क्या खास मेरे पास। तो देखो दोस्तों, अभी तक आपने प्राइवेटेशन 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 की खबरों को साहब इतना झेला, इतना सुना, इतना समझे, लेकिन साहब हुआ प्राइवेटेशन नहीं। और यही चीज मैंने आपको हमेशा बताता रहा कि भाई साहब प्राइवेटेशन बहुत मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है, ये इतना आसान और साहब मेरे ख्याल से कार्य नहीं है जो सरकार एकदम कर देगी। अब प्राइवेटेशन की खबरों में साहब वो दम नहीं था जो साहब सरकार सोच रही है। अब ऐसा कुछ ट्विस्ट लेके आया जाए ताकि फिर एक साल और मिल जाए। यानी कि अब तक प्राइवेटेशन की खबरों ने साहब बैंकों के शेयर्स में, बैंकों की स्थिति को संभालने में बहुत मदद करी। और मैं आपसे यही कहता आया, हमेशा आपसे मैं यही कहता आया, लेकिन अब कब तक सरकार इस खबर को टालती, प्राइवेटेशन को टलेगा, मर्ज करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये खबर कब तक टलती। तो कुछ ना कुछ नया जरूर आना था और वो नया आया है एफडीआई को लेकर, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट निवेश, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर का निवेश है उसका ही अपडेट तो आज है। यानी कि आज के अपडेट में ये बताया गया है, ब्लूमबर्ग इसका एक सूत्र है, जितने भी खबरें आ रही हैं दोस्तों सभी सूत्रों के हवाले से है, इसमें सच्चाई कितनी है ये ईश्वर ही जानता है और मैं भी और MKMFS इनकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते। तो साहब एफडीआई के ऊपर जो सरकार का आज अपडेट आया है वो सुनिए, वो क्या अपडेट है। देखिए सरकार ने कहा है कि हम अब सरकारी बैंकों में जो एफडीआई की सीमा 20% तक थी उसको बढ़ा के 74% तक करने जा रहे हैं, किया जा सकता है। यानी कि यह सिर्फ एक विचार किया जा रहा है, विचार है ये, विचार, अभी इसमें सच्चाई कितनी है ये तो बाद की बात है, ये सिर्फ विचार कर रही है सरकार। और सूत्र कौन है? ब्लूमबर्ग। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग ने कहा कि सरकार विचार कर रही है कि सरकारी बैंकों में 20% तक जो हिस्सेदारी बाहर के लोगों के लिए थी अब उसको बढ़ा के 74% तक किया जाएगा। बगल में सारी चीजें चली हुई है इंग्लिश में, आप उसे भी साके देखिए। वैसे मैंने सारी न्यूज अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे ऑलरेडी लगा दी हैं। तो इस न्यूज में यह कहा जा रहा है दोस्तों कि सरकारी बैंकों में 20% तक का जो एफडीआई था उसको बढ़ाने पर सरकार कर रही है विचार, यानी कि वो बढ़ा के किया जा सकता है 74% तक। 74% तक एफडीआई प्राइवेट बैंकों में है अलाउ। अब सरकार का कहना है कि कुछ संशोधन के साथ हम बिल लेके आएंगे, यानी कि बैंकिंग बिल में कुछ संशोधन किए जाएंगे इस आगामी बजट में, और उसमें एफडीआई की सीमा, साहब एफडीआई की सीमा 20% से बढ़ा के 24% तक करने का सरकार विचार कर रही है। अब इसमें तर्क भी दिया गया है, तर्क भी सुनिए, काफी अच्छा तर्क दिया गया है। अब तर्क ये नीति आयोग ने दिया है या किसी और ने दिया है, फाइनेंशियल कमिटी, किसने दिया, दीपम ने दिया, किसने दिया, ये तो अभी तक साफ स्थिति नहीं हुई। लेकिन जो ब्लूमबर्ग में खबर छपी है उसके अनुसार, जो नीति आयोग का ये स्टेटमेंट है कि अभी तक जो प्लेयर थे, जो बाय करने के इच्छुक थे बैंकों को, वो बहुत सीमित मात्रा में थे। यानी कि प्लेयर जो थे, बाय कैंडिडेट जो थे बैंकों को प्राइवेटेशन में, जो हम लोग चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, वो सीमित मात्रा में आ रहे थे। अब इसको थोड़ा दायरा बढ़ाया जाएगा, यानी बाहर के लोगों के लिए दरवाजा खोला जाएगा। बाहर के लोगों के लिए दरवाजा कब खुलेगा? जब एफडीआई की सीमा को बढ़ाया जाए। इसीलिए दोस्तों सरकार एफडीआई की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है, यानी कि सरकारी बैंकों में एफडीआई की सीमा जो पहले 20% थी तक थी, अब उसको सरकार 74% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है प्राइवेट बैंकों के जैसे प्राइवेट बैंकों में है उसी तरह साहब अब सरकारी बैंकों में सरकार बाहर के लोगों का, विदेशी फंड का, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है, विदेशी लोगों को साहब हिस्सेदारी बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। यानी कि उनको भी साहब 74% जो प्राइवेट बैंक है उसी की तरह सरकारी बैंकों में बाहरी लोगों की हिस्सेदारी 74% हो, यही एक बिल आगामी बजट में आ सकता है। मैंने आपसे कहा है कि ये जो बजट आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, इस खबर के दो मैं रूप देखता हूं। आगामी बजट सत्र एक पहला रूप है, आगामी बजट सत्र में कुछ ना कुछ बड़ा संभव है और ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं।
समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से। देखो इस खबर का दूसरा रूप देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन की खबरें एक साल तक आप लोगों ने काफी देखी समझी सुनी, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाया, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाया। मैंने आपको बता रखा है प्राइवेटाइजेशन एक बहुत जटिल और साफ दिक्कत भरी प्रक्रिया है, ये इस तरह नहीं हो पाएगी, मुश्किल है किसी भी बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना। तो सरकार के पास विकल्प क्या था, कब तक सरकार इसको टालती कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, हम मर्ज करेंगे, ये ऐसा हो गया वैसा, कब तक? तो सरकार ने सोचा इसका एक स्पष्ट सीधा साधा हमारे पास विकल्प भी है कि भाई प्लेयर हमें नहीं मिल पा रहे थे, सरकारी बैंकों को खरीदने का कोई इच्छुक नहीं था और थे तो बहुत कम थे। अब इसके लिए हमने क्या करा, बाहर लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, सरकारी बैंकों को बाय करें। अब इससे यह मतलब मत निकाल लेना कि सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा ही, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस तरह के भी आएंगे कि सर आप एक तरफ तो कहते हो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा और एक तरफ कहते हो प्राइवेटाइजेशन होगा। तो भाई जिस प्रकार सरकार के हिसाब से मंशा चल रही है उसी हिसाब से मेरे वीडियो आ रहे हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। तो आप अभी ये मत सोचना कि प्राइवेटाइजेशन होगा ही एफडीआई से, ये सिर्फ खबरें हैं। जिस प्रकार प्राइवेटाइजेशन की खबरें आप लोगों ने एक साल तक चली हैं, उस तरह ये एफडीआई की खबरें अब आगे एक साल तक और चल सकती हैं। पिछले बजट में प्राइवेटाइजेशन आया था निकल के सामने, अब इस बजट में एफडीआई निकल के सामने आ सकता है, और ये सही भी है। और मैं सलाम करता हूं उस फाइनेंसिंग जो कमेटी है जो इस तरह के प्लान कर रही है बैंकों को बचाने की दिशा में, साहब बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। और जो खबरें काम कर रही है ना साहब, वैसे तो वो सारी चीजें मैं कल डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, लेकिन सलाम है साहब, सैल्यूट है जो साहब इस तरह की खबरों के पीछे काम कर रही है, जो इस तरह की खबरें लेके आ रही है। प्राइवेटाइजेशन हो ना हो, एफडीआई आए ना आए, लेकिन साहब बैंकों की आर्थिक स्थिति, मैंने आपको पहले भी कहा है, सही जरूर होगी इस विपत्ति काल में, कोरोना काल में। सरकार के पास हथियार सिर्फ एक ही है, न्यूज, पहले प्राइवेटाइजेशन अब एफडीआई। तो इस बात को कभी भी अपने दिमाग में मत लाना या ये मत सोचना कि प्राइवेटाइजेशन ही होगा, कुछ दिन ये खबरें और चलेंगी, खबरों का दौर बहुत तेजी से आएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आगे भी बताऊंगा। बाकी कल डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज शाम को है क्लास, इस वजह से वीडियो बनानी पड़ रही है शॉर्ट। कल सैटरडे है, कल छुट्टी है, तो मैं एक पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, उसमें मैं सब कुछ आपको लोगों के लिए बताऊंगा कि एक साल तक जो प्राइवेटाइजेशन की खबरों ने क्या असर किया, अब एफडीआई की खबरें क्या असर करेंगी। सरकार के पास कुछ ना कुछ विकल्प है, सरकार के पास कुछ नहीं, बहुत विकल्प है, बहुत विकल्प है साहब। और हो ना हो, प्राइवेटाइजेशन हो ना हो, लेकिन साहब बैंकों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी इस विपत्ति भरे दौर में। तो आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।